आइए अब एक पॉइंट और है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसमें आपको तंग होने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है जब क्वेश्चन आ जाते हैं फिर दिक्कत आ जाती है। पाकिस्तान के नए प्रधान नाम पूछ लेते हैं और हम क्या है नवाज शरीफ पर पड़े रहते हैं, दिक्कत आ जाती है। ये तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, ये है अनवर उल हक काकर, अनवर उल हक काकर, अनवर उल हक काकर, ये वैसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। ये कई बार क्या होता है, मैंने ऐसे देखा है पार्टी वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है ना, पार्टी वो नहीं है जो सोच लेते हो, दल, ठीक है ना, जैसे आपने नाम सुना होगा पार्टी पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, चलती है ना, बांग्लादेश में जब आप देखते हो अवामी लीग, वो चलता है। इसी तरीके से ये जो है ध्यान रखना, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी से संबंध है, इनकी जो पार्टी है ये है बलूचिस्तान अवामी पार्टी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बस और ज्यादा पंगे नहीं लेने इसमें, बस इतने से ही ध्यान रखो। चले आइए, अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है जी ब्रिक्स। ब्रिक्स, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक संगठन करवाऊंगा ब्रिक्स, कुछ बातें मैंने आपको बता दी थी, और इससे पहले मैंने आपको आशियान बताया था, आशियान पूरा तैयार होना चाहिए। जो भी नए बच्चे हैं अपने वीडियो में दे रखा है, करंट जीके में सितंबर 2023 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ना मिले तो आसपास किसी बच्चे से पूछोगे तो वो बता देंगे। आसियान मोस्ट है, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना। G20 मैंने आपको करवा दिया था, SCO हालांकि पहले भी मैंने करवा दिया था लेकिन एक नए रूप में और बता दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है कई बार, लेकिन हम इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ब्रिक्स, ब्रिक्स है ये, ठीक। सबसे पहली बात तो ये जो ब्रिक्स हैं, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 2009 के, लेकिन जब ये गठन हुआ था तो इसका गठन ब्रिक के रूप में हुआ था, एस नहीं था आगे, ब्रिक के रूप में हुआ था इसका गठन, ब्रिक। अब जब हम इसकी बात करते हैं ब्रिक की, तो यहां पर आपको चार देश मिलते हैं, B4 ब्राजील, R4 रूस, I4 इंडिया या भारत कह दीजिए, C4 चाइना। अब ये जो चार हैं, ये क्या है, इसके फाउंडर मेंबर है, ये इसके संस्थापक सदस्य है, ध्यान रखें। चले आइए, अब देखिए ये जो ब्रिक्स है
इसमें क्या हुआ था, पहले जो पहला सम्मेलन हुआ था 2009 के अंदर, दूसरा हुआ था 2010 के अंदर। तो 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था, ठीक है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने 2011 के सम्मेलन में पहली बार भाग लिया था, ठीक है ना। ये कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर 2011 है कि 2010 है। तो 2010 में तो इसे शामिल किया गया था, ठीक है, और 2011 में उसने भाग लिया था। तो आप इसमें ये कह सकते हो 2010 में शामिल किया गया साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ये शामिल किया 2010 में। इसके आगे लिखिए, इसकी जो घोषणा हुई थी 2010 के ब्राजीलिया सम्मेलन, ब्राजीलिया सम्मेलन में आइए इसके नीचे लिखो, इसने पहली बार 2011 के सान्या, सान्या ठीक है ना, ये चीन है, चीन का स्थान, 2011 के सान्या सम्मेलन में भाग लिया था, 2011 के सान्या सम्मेलन में भाग लिया था। चले आइए, अब आप देखिए अगस्त 2023 में एक सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने इसकी मेजबानी की। यहां पर क्या हुआ, 6 नए सदस्य और शामिल किए। अब आ जाइए, ऐसे लिखो प्लस, छह नए देश शामिल करने की घोषणा, है ना, घोषणा हुई है, क्लियर। और लिख सकते हो आप जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन ये हुई, ठीक। अब मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूं, ये 6 नए देश भूल के भी मत भूल जाना, बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने वहां भी यही बात कही थी, भूल के भी मत भूल। अब इस 6 नए देशों में जैसे हम बात करें तो एक होगा अर्जेंटीना, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का देश, एक ब्राजील है, और अब इसमें क्या आ जाएगा, एक अर्जेंटीना, ठीक है। और अब यदि हम अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका है, और अब इसमें जुड़ जाएगा इथोपिया, ये अफ्रीका महाद्वीप का है, समझते हो ना इस चीज को, आप ना पल्ले पड़े तो इसके आगे लिख देना अफ्रीका महाद्वीप, और ये जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है,
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, सऊदी अरब, यूएई है, ईरान है, सऊदी अरब है, ठीक है। ये जो है ये तीनों एशिया के हैं, ये जो दोनों आप देख रहे हो ये अफ्रीका के, इसको नजरअंदाज मत करना, ध्यान रखना। इथोपिया और मिस्र अफ्रीका के हैं, यूएई, ईरान, सऊदी अरब ये एशिया के हैं। क्लियर होगी बात सारी। अब ये जो छह देश हैं, इसके आगे लिखिए 1 जनवरी 2024 से सदस्य बनेंगे, 1 जनवरी 2024 से सदस्य बनेंगे। चले आइए, अब देखो मेरा आपसे क्वेश्चन है, जिस तरीके से क्वेश्चन ये बनते हैं, डिजाइन होते हैं, क्वेश्चन ये होता है निम्न में से किस महाद्वीप का, कॉन्टिनेंट का ब्रिक्स में योगदान या पार्टिसिपेट नहीं है, ये ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। तो हमें सब चीजों की जानकारी होती है लेकिन हम गड़बड़ी कर जाते हैं। उत्तरी अमेरिका की है क्या, बताइए। उत्तरी अमेरिका में जो देश आते हैं, कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका है क्या, नहीं। और नीचे मध्य अमेरिकी देश, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यूबा टाइप के। तो एक तो नॉर्थ अमेरिका, इसकी नहीं है। दक्षिण अमेरिका की तो अभी आपने बात कर ली है कि अर्जेंटीना है और ब्राजील पहले से ही बैठा है। दक्षिण अमेरिका के कितने देश हो गए, दो, ठीक। उसके बाद हम बात करें यूरोप के, तो यूरोप में आ जाइए, यूरोप में क्या है, रशिया है, ठीक है, रशिया आ जाएगा। और इसके अलावा क्या ब्रिटेन है, क्या फ्रांस है, नहीं है ना, तो इसमें एकमात्र रशिया ही आएगा। अब आ जाइए एशिया, एशिया में आप देख लीजिए इंडिया है, चाइना है, दो तो यही हो गए सीधे, और तीन ही आ गए, तो पांच देश एशिया के हैं, है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर हो, जिसकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की है क्लियर हो जाएगा। और फिर आ जाइए अफ्रीका की तरफ, तो अफ्रीका में आप देखिए दक्षिण अफ्रीका पहले से ही था, एक वो, और ये दो और आ गए, ठीक है, इथोपिया और मिस्र आ गए। तो अब महाद्वीप कौन सा बच गया, ऑस्ट्रेलिया। क्या ऑस्ट्रेलिया का कोई देश है, नहीं है। तो दो महाद्वीप ऐसे हैं जिसका प्रतिनिधित्व जो है इसमें नहीं है, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वर्तमान में जो क्वेश्चन की जो कैटेगरी है, जो सेड्स है, वो ऐसे बनते हैं, है ना, वो जमाने गए बेटा, सिंपल सी बात है। चलें, अब आप जब इनको गौर से देखोगे, अभी तो देखिए ये शामिल 1 जनवरी 2024, अभी जब वक्त आएगा तब की तब देखेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन ये जो वर्तमान में है,
ठीक है ना, जैसे आज की डेट में हम कहें तो कितने सदस्य देश हो जाएंगे, ये आपके 5, ठीक है, और तो बाद में शामिल होंगे। तो इस दृष्टि से हमें दो बातें ध्यान रखनी है, विश्व की जनसंख्या में योगदान, एक तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो ब्रिक्स है इसका विश्व की जनसंख्या में योगदान कितना है। एक आपको ये पता होना चाहिए विश्व की जीडीपी में योगदान, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यदि हम जनसंख्या की बात करेंगे तो इंडिया चाइना दोनों आगे, तो मामला तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ। ये है लगभग 42%, ये 42% है। और यदि जीडीपी की बात करोगे तो लेटेस्ट है 23% आंकड़ा है, 23% ये है। चले देखिए, पूरा क्लियर नहीं है लेकिन एक नाम दिया जा रहा है और नाम ये दिया जा रहा है, अब आगे देखेंगे क्या है। अभी तो देखो 6 है, अब कितने शामिल होंगे ये तो बाद की बात है। ये जब शामिल होंगे तो इसको क्या है, एक नाम आपको आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हो सकता है इसका नाम ये हो जाए, अभी क्लियर नहीं, वो हमें 1 जनवरी 2024 को पता लगेगा और आप ज्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा कह रहे हैं कि इसका नाम हो जाएगा ब्रिक्स प्लस, ब्रिक्स प्लस इस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा कैसे होगा वो बाद की बातें, ब्रिक्स प्लस हो जाएगा। तो वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, 5, ठीक है। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में कितने सदस्य हो जाएंगे, 11, टोटल 11। तो आप यहां लिख सकते हो सदस्य बनेंगे और ये कुल हो जाएंगे 5 + 6 = 11 हो जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। यहां से आपके क्वेश्चन जरूर आएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब इसके सम्मेलन की कुछ बात कर लेते हैं। आइए, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था, यह सम्मेलन हुआ था 2009 के अंदर, जून 2009 में। मेरे को आज याद आ रहा है, मैंने ये चैप्टर भी पढ़ाया था 2009 में, मैंने ये पढ़ाया था कि ब्रिक्स इसका पहला सम्मेलन, ठीक है ना, जब मैं पढ़ाने लगा था तब की सी बात है ये, तो ये मैंने कराया हुआ है, ऐसे कराया हुआ है अभी। हाँ, एक नया संगठन आया है, ब्रिक्स आया है, उसमें तो ब्रिक था, ब्रिक आया है, ऐसे पढ़ाते थे हम कि ब्रिक आ गया, B4 ब्राजील, R4 4, ये ऐसे याद हो जाएंगे, ऐसे होता था ये। चलो जो भी है, अच्छी बात है। स्थान है येकटरिनबर्ग, रशिया। जहां तक यदि गलत नहीं हूं मैं, ब्रिक्स के बारे में जब क्वेश्चन आया था ये IAS में पूछा था, 2014 या 2015, दोनों में से एक में है ये, और उसमें उसने येकटरिन शब्द दिया था, येकटरिन शब्द दिया था, ठीक है ना, कोई रशिया नहीं, कोई कुछ नहीं, स्थान दिया था। जैसे अब आपसे कह सकता है कि 2023 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ, दे देगा ब्राजीलिया, जोहान्सबर्ग, नई दिल्ली, आप टूट पड़ोगे,
G20 का वह तो ये भी तो बनता है। चलिए एक 2009 का आपने ध्यान में रखना है, और 2023 में जो हुआ ये हुआ जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। और आपको यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि 2023 के अंदर जो हुआ है ये कौन सा सम्मेलन है, 15वां सम्मेलन। पंद्रवा ब्रिक्स 2023 जोहान्सबर्ग यहां हुआ। देखो एक बात तो मैंने आपको पहले ही करवा दी, जो मूल बात हुई है इसके अंदर, एक तो देखिए सब समझौते तो देखिए होते ही हैं, आतंकवाद पर भी बात होती है, व्यापार पर भी बात होती है, लेकिन ऐसी कोई गुड बात हमारे सामने नहीं आई। इसमें ये बात आई कि 6 नए देश शामिल किए जाएंगे, ये थी। और एक जो हाईलाइट किया गया इस सम्मेलन में, रूस के राष्ट्रपति जो थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या वर्चुअल भाग लिया, ये वर्चुअल भाग लिया, ये थोड़ा ध्यान रख ले। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यार इसको क्या बहुत हाईलाइट किया गया था, जो चीजें हाईलाइट होती है ना वो क्वेश्चन होता है। इसमें लिख दीजिए इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्चुअल भाग लिया, वर्चुअल भाग लिया। एक ये ऐसा क्यों ऐसा किया इन्होंने, ऐसा इसलिए किया कि हमारे एक आईसीसी है, उन्होंने मार्च 2023 में इनके खिलाफ किया है एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, गिरफ्तारी वारंट जारी किया व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, युद्ध को बढ़ावा देने के कारण आईसीसी ने। लिख दीजिए यहां पे लिखो कारण, देखिए क्योंकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मार्च 2023 में इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया, ब्रेक में लिख देना, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण। देखिए थोड़ी सी बात इसके बारे में कर लीजिए, ज्यादा नहीं, बस आप ये तो समझ गए होंगे क्रिमिनल कोर्ट है ये, इसकी जो स्थापना हुई थी ये
ये जो एस्टेब्लिशमेंट इसको जो किया गया था, ये किया गया था 1998 में, लेकिन इसने जो कार्य प्रारंभ किया था ये किया था 1 जुलाई 2002 को। इस कारण से कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसके जो हेड, इसका जो हेड ऑफिस है ये है हेग में, हेग नीदरलैंड। यहां पे ये है, लेकिन यहां एक विशेष रूप से आप बात ध्यान दें, ये यूएनओ वाला अंग नहीं है, समझे ना। एक यूएनओ का अंग भी होता है, उसको हम इंटरनेशनल कोर्ट बोलते हैं, ध्यान रखें ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ये यूएनओ का अंग नहीं, ये तो विश्व में जो अपराध होते हैं ठीक है ना, उनके लिए है, ठीक है। जबकि एक और होता है, उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट। ये अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा करता है, हालांकि ये भी एक अंतरराष्ट्रीय विवाद है, लेकिन इसको इस रूप में नहीं लिया गया है। आईसीसी अलग चीज है। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है ये क्या है, यूएनओ का एक अंग है, ठीक है। जैसे यूएनओ की स्थापना तो देखिए 45 में हुई थी, जबकि इसकी स्थापना अप्रैल 1946 में हुई थी। इसमें 15 न्यायाधीश बैठते हैं, ठीक है। इस 15 में से ही एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ये भी एक बार आ गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, उसका संगठन क्या है। ऑप्शन में क्या दिया, मजेदार बात देखो, आनंद आएगा आपको। अध्यक्ष उपाध्यक्ष 13 सदस्य, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 14 सदस्य, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 15 सदस्य, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 16 सदस्य। तो ध्यान रखना इसमें होते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 13 सदस्य, टोटल 15 होते हैं। तो आप चाहो तो लिख सकते हो भाई, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 13 सदस्य। और हम कंफ्यूज क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो हेड ऑफिस है वो भी हेग नीदरलैंड ही है। और मजेदार बात है, इस पे भी क्वेश्चन खूब आता है, ये है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। चले आइए, आगामी 16वां ब्रिक्स, ये होगा 2024 के अंदर। ये हो गया कजान में, रशिया में पड़ता है, कजान नामक स्थान पर होगा रशिया के अंदर 2024 में। यहां पर आपको ये ध्यान देना है, भारत ने कितनी बार मेजबानी की, क्योंकि अब जो मेन मेन संगठन है ना, इनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि G20 की अध्यक्षता की है भारत ने, G20
G20 की अध्यक्षता की है, इस कारण से क्या होगा, ये G20 को पूछने की बजाय यहां घूम जाएगा, और ये भी ताजा ताजा हुआ है। तो इसने जो मेजबानी की है इंडिया ने, ये तीन बार की है। एक बार तो की थी 2012 में, नई दिल्ली, एक की थी 2016 में गोवा में, और एक की थी 2021 में, ये वर्चुअल था। एक लाइन और ऐड कर लो, फिर आपको फ्री कर देता हूं। विश्व में क्षेत्रफल में योगदान, एरिया की दृष्टि से देखोगे तो 30% योगदान, क्षेत्रफल की दृष्टि से 30% योगदान है। विश्व में व्यापार में हिस्सा, तो इनका है 8%, व्यापार में हिस्सा जो है 8%। क्लियर, चलिए जी, ये होगी जी महत्वपूर्ण बातें, इसके आगे की बात हम बाद में करेंगे।